अगेन वेलकम टू द वी एस मेडिकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एज अ होल, पूरा का पूरा इसका क्लासिफिकेशन देखा था और मैकेनिज्म देखा था किस तरीके से ड्रग्स हमारी काम करती हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो में हम एक इंडिविजुअल ड्रग पढ़ने जा रहे हैं जो कि एंटी हिस्टामिनिक है, और गाइज वो है सिमेटिडिन। ठीक है फ्रेंड्स, सिमेटिडिन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। गाइज मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सिमेटिडिन जैसे कि आपका H2 है ना, हिस्टामिन है, इसको ब्लॉक कर देती है। जैसे इसको ब्लॉक करेगी, ये पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, और जब ये प्रोसेस रुक जाएगा तो जो आपका क्लोरीन है और जो हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर के HCl का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, मीन्स हाइड्रोजन को एंट्री ही नहीं मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज अब हम टॉपिक को नोट्स से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सिमेटिडिन है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है ड्रग। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 60-80% होती है, क्योंकि इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरना पड़ता है, मींस इसको लीवर से होकर के गुजरना पड़ता है इसकी, इसलिए बायो अवेलेबिलिटी 60-80% होती है। और गाइज ये जो ड्रग है आपकी प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, और ये आपकी मिल्क के अंदर भी सिक्रीट हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो पेनिट्रेशन है ब्रेन के अंदर नहीं होता, ब्रेन के अंदर ये ड्रग बहुत ही कम जाती है, ठीक, क्योंकि ये जो ड्रग होती है हमारी हाइड्रोफिलिक होती है। जैसा कि हमको पता है कि जितनी भी लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, मीन जो जितनी भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती हैं, वही आपकी ब्रेन के अंदर जा सकती हैं, वही आपके जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है BBB, उसको क्रॉस कर सकती हैं, वही ड्रग ब्रेन के अंदर एंट्री ले सकती हैं। तो ये सिमेटिडिन वो ड्रग नहीं है, सिमेटिडिन हाइड्रोफिलिक है, ठीक, तो ये ब्रेन के अंदर एंट्री नहीं ले सकती। 2/3 ऑफ द डोज इज सिक्रेटेड अनचेंज इन यूरिन। इसकी जो 2/3 डोज है वो यूरिन के अंदर अनचेंजली सिक्रेट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, एंड बाइल, और बाइल के अंदर भी द रेस्ट ऑज ऑक्सीडाइज मेटाबोलाइट्स, और बाकी की जो ड्रग्स होती है वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी लॉन्ग एक्शन होता है इसका। डोज रिडक्शन इज नीडेड इन रीनल फेलियर। गाइज अगर कोई पेशेंट रीनल फेलियर का है, ठीक है ना, तो उसमें क्या करना होता है, सिमेटिडिन की डोज को रिड्यूस करना होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ द सिमेटिडिन, ठीक। इसमें अब हम देखते हैं गाइज, यहाँ पर मैं बता दूँ केवल 5% केसेस में या 5% केसेस से भी कम पेशेंट के अंदर इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसमें भी हमको क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हेडेक, डिजीनेस, बाउल अपसेट एंड ड्राई माउथ और माइल्ड साइड इफेक्ट। ये सब के सब क्या होते हैं, बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही हल्के हल्के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हाई डोज ऑफ आईवी इंजेक्शन कोज कन्फ्यूजन। अगर आप इसकी हाई डोज दे दोगे सिमेटिडिन की, अगर आप हाई डोज दे दोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, हेल्यूसिनेशन होगा, कन्वल्जन होगा, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है और कार्डिक अरिथमिया भी हो सकता है, और फाइनली गाइस कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए इस ड्रग का आईवी जो इंजेक्शन अगर हम दे रहे हैं तो बहुत ही स्लोली देना होता है और बहुत ही सावधानी से देना होता है, ये इन सब चीज़ों को मेंटेन करके देना होता है, ठीक। आगे देखते हैं गाइज, इसमें आ रहा है हमारा CNS इफेक्ट मोस्टली अकर्स इन एल्डर पेशेंट गिवन टू प्रिवेंट स्ट्रेस अल्सर। अब देखिए गाइज, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, लेकिन एल्डर पेशेंट में क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को थोड़ा थोड़ा क्रॉस करने लगती है, और इसीलिए हम इसको एल्डर पेशेंट में भी देते हैं, जिससे कि स्ट्रेस अल्सर ना हो, स्ट्रेस अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए इस ड्रग को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा, इट हैज़ एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। ये जो ड्रग होती है इसका एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन है। एंड्रोजन से आपको पता ही है, जितने भी आपके सेक्सुअल हार्मोन वगैरह होते हैं, ठीक, जितने भी गोनेट्स के हार्मोन होते हैं, उन सबको ब्लॉक कर देती है। जैसे कि क्या करते हैं, इंक्रीज प्लाज्मा प्रोलैक्टिन, ये क्या करती है, प्लाज्मा के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन की अमाउंट को बढ़ा देती है, ठीक, और इनहिबिट करती है डिग्रेडेशन ऑफ द एक्स्ट्राडियोल बाय लीवर, और जो एक्स्ट्राडियोल होता है उसको डिग्रेड कर देती है लीवर में, लीवर के थ्रू, ठीक। अगर आप इसकी हाई डोज देते हो लॉन्ग पीरियड के लिए, तो ये क्या कर सकते हैं गाइस, गायनेकोमेस्टिया कर सकती है। गायनेकोमेस्टिया आपको पता ही होगा, इसमें क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं उनकी जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो बड़ी होने लगती हैं, ठीक। आप इसको गूगल पर सर्च करके इमेजेस भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा गाइस, लॉस ऑफ लिबिडो भी हो सकता है, लॉस ऑफ लिबिडो, लिबिडो आपको पता ही है सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक। अगर आप इस ड्रग को दोगे ज़्यादा टाइम तक के लिए दोगे, लॉन्ग पीरियड के लिए दोगे, तो लॉस ऑफ लिबिडो भी हो सकता है। और फाइनली गाइज, इंपोटेंस भी हो सकता है और टेम्परेरी डिक्रीज इन द स्पर्म काउंट। तो देख लीजिए गाइज इसके कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, इसीलिए ये ड्रग ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है।
ठीक। और बेसिकली इसके ये सब जो इतने सारे इफेक्ट हैं हाई डोज के कारण है, तो अगर आप इस ड्रग को दे भी रहे तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ देनी होती है और पूरा सब कुछ मेंटेन करने के बाद दी जाती है ड्रग्स। आगे देखते हैं गाइज इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन में क्या है गाइज, इसके अंदर जो सिमेटिडिन होता है इनिबिट सेवरल साइटोक्रोम P45 आइसोएंजाइम एंड रिड्यूस हिपेटिक ब्लड फ्लो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो सिमेटिडिन होता है इनिबिट कर देता है, जितने भी साइटोक्रोम P45 आइसोएंजाइम होते हैं इन सबको क्या करता है, इनिबिट कर देता है, रिड्यूस कर देता है हिपेटिक ब्लड फ्लो को। मीन जो आपका लीवर का जो ब्लड फ्लो है, मीन जो मेटाबॉलिज्म के लिए जो ड्रग जा रही है उस फ्लो को ही ये कम कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या करता है अपने मेटाबॉलिज्म को ही फ्लो कर देता है, स्लो कर देता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इट इनिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग्स। ये क्या करता है, बहुत सारी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है। मैंने अभी आपको बताया कम कैसे करता है, क्योंकि ये हिपेटिक ब्लड फ्लो को कम कर देता है। ठीक, जैसे कि और क्या करता है गाइस, धीरे धीरे उनकी टॉक्सिसिटी होने लगती है। जब उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो क्या होगा, उनकी टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब उनमें से कुछ ड्रग्स हैं देखिए गाइस, जैसे कि थियोफाइलिन है, फिनाइटोइन है, कार्बामेज़ेपाइन है, फिनोबारबिटोन है, सल्फोनिन यूरियाज है, मेट्रोनिडाजोल है। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आज देखा सिमेटिडिन के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, इसकी फार्माकोकाइनेटिक और एडवर्स इफेक्ट और इंट्रैक्शन के बारे में समझा। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम यूजेस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम एंटी हिस्टामिन के कंप्लीट यूजेस को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस, जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोज़ लाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट।